में हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, और जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे वो होगा एप्सिलॉन एनएफए। देखिए एप्सिलॉन यहाँ पर आपको एग्जाम में एप्सिलॉन लिखा हुआ होगा, या कैप साइन लिखी हुई होगी, या लैम्डा लिखा होगा, तो कुछ भी रिप्रेजेंट करके दिया हुआ आ सकता है, तो आपको लिखने आना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एप्सिलॉन है तो उसकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगी, एप्सिलॉन कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि लैंग्वेज को हम कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं, तो लैंग्वेज क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, सेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग होगी एप्सिलॉन, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा उसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में होती हैं स्टेट्स। तो क्यू जीरो इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, यानी विदाउट एनी इनपुट आप फाइनल स्टेट पे रीच हो जाओगे। अगर आपको नल सेट दिया हुआ है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दो स्टेट्स होंगी, एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग को। और अगर सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन ए है तो उसकी लैंग्वेज में क्या आएगा, ए स्ट्रिंग, और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू जीरो क्यू वन को ए से कनेक्ट कर दोगे, तो ये बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा इस ए के लिए। सपोज करो आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है और उनका आपको यूनियन शो करना है, तो यूनियन को मैंने आपको बताया था, यूनियन को प्लस से भी शो कर सकते हैं और यू से भी कर सकते हैं। तो अगर सपोज आर वन ए है और आर टू बी है और आपको इसका यूनियन करना है, तो इस यूनियन, तो इन रेगुलर एक्सप्रेशन का जो यूनियन होगा ए प्लस बी, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो इस ए प्लस बी की करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज आएगी उसमें स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी, ए और बी, क्योंकि एल आर वन का यूनियन होगा एल आर टू से, और एल आर वन में क्या है ए और एल आर टू में क्या है बी, तो इनका यूनियन हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी लैंग्वेज में, ए कॉमा बी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा वो आपको कैसे बनाना है, देखो पहले ए के लिए बना लेना क्यू वन क्यू टू, फिर क्यू थ्री क्यू फोर बी के लिए। मैंने आपको बताया था एक सिंगल स्ट्रिंग ए के लिए आपको दो स्टेट्स चाहिए होती है, तो दो स्टेट्स ए के लिए लग जाएंगे, दो स्टेट्स बी के लिए लग जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बनानी है क्यू जीरो, उसको एप्सिलॉन से इससे ऐड कर देना है, और एक फाइनल स्टेट बनानी है उनको भी इसे एप्सिलॉन से मर्ज कर देना है। तो इस टाइप से ए प्लस बी को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा में। ए के लिए बना ली स्टेट्स, बी के लिए बना ली, फिर एक इनिशियल एक फाइनल, और इनको आपस में एप्सिलॉन से ज्वाइन कर लिया। अगर कॉन्केटिनेशन करना है आपको, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है बी, तो उनको अगर आपको कॉन्केटिनेट करना है तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या होगी, इसकी जो लैंग्वेज बनेगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी के। करस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो ए के लिए बना लिया हमने क्यू जीरो क्यू वन, बी के लिए क्यू टू क्यू थ्री, क्यू थ्री को हमने बना लिया फाइनल, क्योंकि बी के बाद हमें फाइनल स्टेट पे रीच करना है। अब ये ए के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, ये बी के लिए, इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट कैसे करेंगे, एप्सिलॉन से। टाइप से कॉन्केटिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब नेक्स्ट क्लीनिक क्लोजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर जीरो स्टार है तो जीरो स्टार को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के लिए मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेट को हमें फाइनल बनाना होता है, हमने बना लिया तो एप्सिलॉन भी इसमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस के लिए हमने सेल्फ प्रूफ बनाया है, तो चाहे सिंगल जीरो आए तो भी फाइनल स्टेट पे जाओगे, दो जीरो आए तो भी फाइनल स्टेट पे जाओगे, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो जीरो स्टार को पहले आप जीरो के लिए बनाओ, ठीक है, क्यू वन क्यू टू हमने जीरो के लिए बना लिया, फिर इसको वापस इसी स्टेट पे ले जाओ एप्सिलॉन से, तो ये हो गया एनी नंबर ऑफ जीरोस। तो जो हमने ये बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन और मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोस, यानी सिंगल वन होगा, लेकिन हमें तो पता है कि स्टार का मतलब क्या होता है, कि विदाउट एनी इनपुट भी आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचना रहता है, एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल स्टेट बनानी होगी, एक फाइनल स्टेट बनानी होगी, इसको एप्सिलॉन से ऐड कर दो, इसको एप्सिलॉन से ऐड कर दो, और क्यू जीरो को एप्सिलॉन से किससे ज्वाइन कर लो, फाइनल स्टेट क्यू थ्री से। तो ये जो एप्सिलॉन क्या बता रहा है कि इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड हो जाएगा, यानी विदाउट
गिविंग एनी इनपुट आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। तो समझ में आया कैसे जीरो स्टार बना रहे हैं? पहले जीरो के लिए बना ली स्टेट्स Q1 Q2, एप्सिलॉन से इसका रिपीटेशन करवा दिया, लेकिन ये तो बता रहा है जीरो एंड वन और मोर ऑकरेंसेज ऑफ जीरो। हमें विदाउट एनी इनपुट भी एप्सिलॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, तो हम एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे, एक फाइनल स्टेट बनाएंगे, इसको एप्सिलॉन से ऐड कर देंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट से, और एप्सिलॉन से फाइनल स्टेट को मर्ज कर देंगे, जिससे एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको टू स्टेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। Q1 Q2 से 1 0 का ट्रांजिशन दे दो, Q2 से एप्सिलॉन, Q2 से Q1 एप्सिलॉन और Q1 से Q2 एप्सिलॉन। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो स्टार को। सिमिलरली पॉजिटिव क्लोजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस। तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये जीरो के लिए बना लिया हमने, और एनी नंबर ऑफ जीरोस के लिए ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये NFA हो गया विदाउट एप्सिलॉन। और अगर इसको एप्सिलॉन NFA में बनाना है तो एप्सिलॉन NFA में हम जीरो प्लस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले जीरो के लिए स्टेट्स बना लो Q1 Q2, उसका रिपीटेशन करवा लो एप्सिलॉन से। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वन और मोर नंबर ऑफ जीरोस, बट हमें फाइनल स्टेट भी चाहिए। हम एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0, एक फाइनल स्टेट बनाएंगे और उनको एप्सिलॉन से मर्ज कर देंगे जीरो से। तो यहाँ पर ये वाली एज नहीं आएगी जो जीरो स्टार में आई थी, यहाँ पर भी इसमें भी वैसा ही रहेगा, लेकिन Q1 से Q2 के लिए कोई एज नहीं जाएगी, ये फाइनल स्टेट रहेगी। यहाँ पर एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो ये वाली एज हम इसमें नहीं लिखेंगे।